अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से फजील आपकी खिदमत में हाजिर है। आई एम द सीईओ ऑफ प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज और आज की हमारी जो डिस्कशन है वो ये है कि हमारे जो दो प्रोजेक्ट्स थे एग्जिस्टिंग बहरिया टाउन लाहौर के अंदर, जेपी टावर और स्काई आर्किड, उनका स्टेटस मैं आप लोगों के साथ लाइव शेयर करूँ। जेपी टावर अल्हम्दुलिल्लाह थर्ड फ्लोर पर इस वक्त पहुँच गया, उसकी कंस्ट्रक्शन, और जैसा कि आप लोगों के साथ कमिटमेंट है कि 2020 के एंड पे इंशाल्लाह हम जेपी टावर को डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा स्काई आर्किड जो है वो सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया है, उसकी कमिटमेंट हमारी 2021 की है। स्काई आर्किड 3 साल के पेमेंट प्लान के साथ है और जेपी टावर 2 साल के पेमेंट प्लान के साथ है। मैं आप लोगों का इंतहाई शुक्रगुजार हूं, आप लोगों के खलूस का और आप लोगों के कॉन्फिडेंस का कि आपने बुकिंग्स करवाई। इस वक्त जेपी टावर्स के अंदर हमारे सारे अपार्टमेंट्स जो हैं वो सोल्ड हैं और बेसमेंट हमारी टोटल सोल्ड है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हमारे पास 2 शॉप्स और ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारे पास 1 शॉप फॉर सेल है, जो कि 2 साल के पेमेंट प्लान में हम अपने क्लाइंट्स को ऑफर करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आप उसको ख़रीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर मौजूद हैं। कैटलॉग की डिटेल्स वगैरह भी मैं डिस्क्रिप्शन में एडअप कर देता हूँ। हमारी प्रेजेंटेशंस भी मौजूद हैं, जो इस वीडियो के एंड पे आपको स्काई आर्किड और जेपी टावर की प्रेजेंटेशंस भी मिल जाएंगी कि ये प्रोजेक्ट क्या है। इसके अंदर आप दुकानें खरीद सकते हैं 2 साल के आसान इकसाथ पे जेपी टावर्स में। अब आते हैं स्काई आर्किड में। स्काई आर्किड के अंदर हमारे पास स्टूडियो अपार्टमेंट्स थे और उसके अंदर हमारे पास तकरीबन 4 स्टूडियो अपार्टमेंट्स रह गए हैं फॉर सेल। आप आके उसको साइट को विजिट कर सकते हैं। दुकानें हमारे पास उसमें ग्राउंड फ्लोर बिक गया है सारा। हमारे पास ग्राउंड फ्लोर के अंदर सिर्फ 1 शॉप है ग्राउंड फ्लोर के अंदर जो अवेलेबल है फॉर सेल। इसके बाद हमारे पास ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट के अंदर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमारे पास 2 दुकानें हैं, बेसमेंट के अंदर हमारे पास 1 शॉप है और फर्स्ट फ्लोर के अंदर हमारे पास 2 शॉप से 3 शॉप्स अवेलेबल हैं फॉर सेल। आप आके लोकेशन को विजिट कर सकते हैं। स्काई आर्किड की आप कैटलॉग हमसे मंगवा सकते हैं, हम आपके साथ पूरी डिटेल शेयर करेंगे कि स्काई आर्किड की कंस्ट्रक्शन जैसा कि आपको बताया। आए साइट पे, आए आके क्वालिटी ऑफ वर्क देखें कि हम क्या मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए और कंस्ट्रक्शन के कितने टाइम के साथ, जितना टाइम अभी कंस्ट्रक्शन को 6-6 माह हुए हैं तो हम किस पेस से जा रहे हैं। ये आपके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, ये प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज के अपने प्रोजेक्ट हैं। मेरे अपने नाम पे प्रॉपर्टीज़ हैं और हम इन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर कर रहे हैं और इन प्रोजेक्ट्स को इंशाल्लाह हमारी हर किस्म की गारंटी वारंटी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज और हमारी है। आप इन प्रोजेक्ट्स को हम आउटसोर्स नहीं कर रहे कि बाहर से कहीं से आउटसोर्स करके हम आपको वो प्रोजेक्ट सेल कर रहे हैं। ये हमारे अपने प्रोजेक्ट्स हैं, इनकी फ्यूचर की मैनेजमेंट, इनकी जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज जो होंगी, इनकी प्रॉपर्टी को मैनेज करना, आपके रेंट्स कलेक्ट करने, आपको इनके लिए रेंट आउट करना। हमारा ऑफिस जो है प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज का हेड ऑफिस इंशाल्लाह अगले माह में जेपी टावर्स के अंदर मूव हो जाएगा। फिनिशिंग प्रोसेस के अंदर है हम और डेफिनेटली आपसे मुलाकात भी जेपी टावर्स में ही हुआ करेगी। स्काई आर्किड भी बिल्कुल साथ ही प्रोजेक्ट है तो हम इन प्रोजेक्ट्स को फ्यूचर में भी इंशाल्लाह हम मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारा हेड ऑफिस वहाँ पर मूव हो जाएगा तो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को हम मैनेज करेंगे। सो हमारे वो क्लाइंट जो ओवरसीज़ क्लाइंट है, इंशाल्लाह ताला आपको किसी किस्म की कोई फॉलो अप की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई पार्टीज़ नहीं रेंट के लिए ढूंढनी, ये सारी हमारी जिम्मेदारी है और हम इंशाल्लाह इसको रेंट आउट किया करेंगे आपके लिए और आप मैनेज भी किया करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ को। क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए मैंने आपको कहा है कि यू आर ओपन, यू आर वेलकम, आएँ जब मर्ज़ी तशरीफ़ लाएँ, आके देखें कि हम किस तरह का काम कर रहे हैं, क्या मटीरियल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप सेटिस्फाइड होंगे इन प्रोजेक्ट्स के लिए। और आखिर मैं यही कहूँगा कि जो चंद यूनिट्स रह गए हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे वो रिलायबल क्लाइंट्स और जो हमारे अच्छे क्लाइंट्स हैं, एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, वो हमें लिफ्ट अप करें और इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट हो ये प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद हम अगले प्रोजेक्ट्स की तरफ मूव करें। आप लोगों के खलूस का, आप लोगों के कॉन्फिडेंस का एक दफ़ा फिर शुक्रिया व्यूअर्स। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में आपकी खिदमत में ज़रूर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।